हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, सुबह 8 बजे हम करंट अफेयर सेशन आपके लिए लेके आता हूँ, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती है वो सभी कवर अप करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ में आपको जितना एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके, यानी कि जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि पेपर में कई बार को रिलेट करके पूछते हैं करंट अफेयर के साथ में जीके को, उस तरीके की चीज़ें भी हम कवर अप करते हैं और आपके आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत अच्छा करंट अफेयर प्रिपेयर करने वाले हैं और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके आने वाले टाइम के अंदर अगर करंट अफेयर में से कोई आता है और आपको नहीं आए, क्योंकि इसी के लिए काफ़ी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक लास्ट के अंदर एक क्विज दिए जाए, तो मैं आज आपके लिए क्विज भी लेके आया हूँ जो कि आपका होमवर्क होगा। यानी कि 5 क्वेश्चन, ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बाद में ज़्यादा भी करेंगे हम, वो भी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन का एक क्विज भी लेके आया हूँ जो कि हम लास्ट के अंदर कवर अप करेंगे और कल मैं उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है। आज आपको वो सॉल्व करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ है हमेशा की तरह फर्स्ट पेज से है और काफ़ी आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है आज के सेशन के अंदर, आप देखते हैं। पहली वाली जो न्यूज़ है फर्स्ट पेज आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दो तीन कौन कौन सी है, पहली एक तो ये है सेंटर स्टडिंग प्ली टू बैन PFI। तो सेंटर स्टडी कर रहा है, यानी कि वो बैन करने की बात कर रहा है PFI को। अब ये PFI क्या है, क्या काम करती है, कहाँ पर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे एक तो। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ा स्कैम बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके सामने आ चुका है, PNB बैंक के अंदर साउथ मुंबई के अंदर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है 11,500 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर से और इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो मैंने कल या परसों हमने कवर अप करी थी कि श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम हो गई है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो वो रिजॉल्व हो गई है, ठीक है। तो ये रिजॉल्व वाली न्यूज़ भी हम थोड़ी सी देख लेंगे क्योंकि अब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये तीन न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ को थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, सेंटर स्टडिंग प्ली टू बैन PFI, यानी कि केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बैन करे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है स्टेट के अंदर। अब देखिए, PFI को बैन करने की बात करी गई है केरला के अंदर। क्यों बैन करने की बात करी गई है, क्योंकि अभी कुछ इसके जो लोग हैं जो कि टेररिस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, इसको लेकर सेंटर को केरला ने बोला है सेंटर को कि वो इसको बैन कर दे। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सक्सेसर है किसके, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के। 2006 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके अलावा इसके बाकी पार्टीज में भी ये मर्ज होकर इन्होंने काम किया, जैसे कि मानिता नेथाई, कर्नाटका फोरम और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जस्टिस को लेके काम किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो उनको जस्टिस मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले। साथ में इन्होंने नेशनल वुमेन फ्रंट भी बना रखा है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी बना रखा है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ में भी इन्होंने काम किया हुआ है ह्यूमन राइट्स को लेकर कि किस तरीके से वायलेशन हो रहा है। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर भी इन्होंने मिश्रा कमीशन के साथ में काम किया है, ठीक है। मिश्रा कमीशन किसको लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिले ये बताया गया है मिश्रा कमीशन में, और उनके साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है। इसके अलावा इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है UAPA के अगेंस्ट। UAPA क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। तो उनका कहना है कि कई सारे इनोसेंट लोगों को इसमें डाल दिया गया है, तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो इस तरीके से काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट करे हैं। सिख मुस्लिम मिशन के साथ भी इन्होंने काम किया है हारमोनी को लेकर, बाबरी मस्जिद, सिख रायट, इनके अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया है। तो काफ़ी सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि सोशल वाले भी है, और अब लेकिन अभी कुछ टाइम से इनके जो काफ़ी लोग हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी लुप्त पाए गए हैं। तो इसके वजह से केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंटर को, कि राजनाथ सिंह को, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी है, बोला है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए। तो PFI, तो आपको ध्यान रखना है PFI के बारे में। इसके अलावा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर से है। PNB के अंदर 11,500 करोड़ का स्कैम पाया गया है। अब ये है क्या, एक्चुअली ये एक अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन किया गया है, ठीक है। अनऑथराइज्ड क्या किया गया है, ट्रांजेक्शन किया गया है कितने का, 11,500 करोड़ का साउथ मुंबई की ब्रांच के अंदर। एक डायमंड बिलियनियर डायमंड मर्चेंट है,
मोदी जी, ओके, नीरव मोदी जी, उनके अकाउंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनका पाया गया इसके अंदर, तो बहुत बड़ा स्कैम है। ईडी, सीबीआई सभी इसके बारे में पता करने को लेकर लग गई है और आने वाले टाइम के अंदर पीएनबी से आपको एक ना एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। अगर देखिए सबसे बड़ा स्कैम है, बिगेस्ट लूजर के अंदर देखिए पीएनबी, उसके बाद में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। इसलिए पीएनबी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बैंक आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप सभी को पीएनबी के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। इंडियन मल्टीनेशनल बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। कहां पर हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1894 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, फाउंडेड इन 1894 किसके द्वारा? सरदार दयाल सिंह माजीता के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। 2017 तक की बात करें तो नियर बाय 7000 ब्रांचेस है, 80 मिलियन कस्टमर है इनके, 10000 से ज्यादा एटीएम है और यूके के अंदर भी इनकी ब्रांच है, इसके अलावा हांगकांग, दुबई, काफी जगह पे इनकी ब्रांच है। भूटान का एक बैंक है द्रुक पीएनबी, वहां पे इनकी 51% स्टेक है। नेपाल के अंदर 20% है एवरेज बैंक के अंदर, और वैसे ही दुनिया में और भी काफी जगह पे इनकी ब्रांचेस है, तो आपको ध्यान रखना है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अभी कौन है एमडी और सीईओ? सुनील मेहता, सुनील मेहता जी अभी सीईओ है, और फाउंडर कौन है? सरदार दयाल सिंह माजीथिया, ये इसके फाउंडर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, पेपर में काफी पूछी जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो मैं करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ, ये सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो फ्रेंड्स जितने भी इंडिया के पेपर है, ये करंट अफेयर मैं आपके सिर्फ बैंकिंग सेक्टर या फिर एक स्पेसिफिक नहीं, मैं पूरे के पूरे पेपर कवर अप करवा रहा हूँ। आने वाले 2-4 महीने जब आप इसको डेली कवर अप करेंगे, देखेंगे, तो आप अपने आप में एक बहुत चेंज महसूस करेंगे। ऐसी कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ नहीं होगी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता नहीं होगी। और इसके अलावा डेली जो क्विज सेक्शन है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी हम साथ के अंदर कवर अप करते जाएंगे और डेली नेक्स्ट डे उसको उसका आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और साथ में आपको पता ही है ना 1 मिलियन कॉन्टेस्ट के बारे में, 1 मिलियन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं एक टेस्ट सीरीज, और ये 9 लाख सब्सक्राइबर होने तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में कम्युनिटी सेक्शन के बारे में पता है आपको, एक बार वंस इन ए डे कम्युनिटी सेक्शन पर विजिट करें ताकि आपको अपडेशन मिलता रहे। और लखनऊ मीटअप के बारे में पता है ना आपको कि वाईफाई स्टडी 24 तारीख को लखनऊ आ रहा है, तो वहां पे आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज वही है, बड़ी सिंपल सी न्यूज है, हमने इसको पहले कवर अप किया था कि जो प्रेसिडेंट और पीएम जो है, प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में जो लड़ाई चल रही थी दोनों, श्रीलंका में हुआ यह था कि जो रैनिल जो कि यहाँ के पीएम है और सिरिसेना जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, दोनों की पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी, ठीक है, एक सरकार बनाई थी, लेकिन दोनों अभी लोकल इलेक्शन के अंदर हार गई है, तो दोनों को सोचने की जरूरत है। अब दोनों ने क्या करा है, रीशफलिंग करी है कैबिनेट के अंदर, जो मिनिस्टर है ना उसको रीशफल करके दोनों ने काम चला लिया है और अब वहां पर सरकार गिरने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है जो कि वहां पे, ठीक है, वहां पे हुई है। और दोनों की पार्टी की बात करें तो यहाँ पे SLPF है एक पार्टी, तो SLFP और एक यूनाइटेड नेशनल पार्टी है, UNP है, ओके, ये दोनों पार्टी ने मिलकर यहाँ पे सरकारें बनाई थी। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये पेज नंबर फर्स्ट हमने कवर अप कर लिया है, अब चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, जहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। कहां से? डेजर्ट एरिया से, राजस्थान से, राजस्थान कैनाल को लेके, कि रिसेंटली उनको प्रोजेक्ट को लेके पैसा मिला है न्यू डेवलपमेंट बैंक से, और उस वजह से वहां पे काफी बेनिफिट अब राजस्थान के कुछ जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है उनको होने वाला है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 2 से, जो कि हम कवर अप करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, बात क्या है, मुद्दा क्या है ये समझ लीजिए। मुद्दा ये है कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल है, पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल हुआ करता था, ओके, तो सबसे पहले उसके अंदर हुआ क्या है कि उसके अंदर जो कैनाल है ना, तो कैनाल के अंदर कई बार क्या हो जाता है, लीकेजेस हो जाते हैं, जिससे पानी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम कैनाल को। अब रिपेयर करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए की बात हुई है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है, राजस्थान को मिल गया है, और वो उससे क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट में कि जो वापस से कैनाल है उसकी वापस से रिपेयरिंग करेगा, जिससे जो पानी खराब हो रहा है वो ना हो, साथ में वाटर लॉकिंग सिस्टम भी बनाएगा, इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाएगा। तो कुल मिला के ये बात हुई है, ठीक है, मुद्दा तो ये है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी कैनाल है कहाँ पे, देश का सबसे बड़ा कैनाल है कहाँ पे, कितने डिस्ट्रिक्ट में होके गुजरता है, कितने डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होता है। तो देखिए 10 तो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जिनको बेनिफिट मिलता है। राजस्थान कैनाल है कहाँ पे, ये देखिए यहां से स्टार्ट होता है, हरी के बैराज है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है पंजाब से राजस्थान कैनाल,
और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते होते हरियाणा को भी फायदा मिलता है थोड़ा सा इससे। राजस्थान का जो पूरा डेजर्ट एरिया है यानी कि जो वेस्टर्न राजस्थान है उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये डेजर्ट एरिया पहले इसका बड़े बुरे हालात थे, लेकिन जब से ये राजस्थान कैनाल बना, इंदिरा गांधी कैनाल बना है ना, उसके बाद से ये वेस्टर्न राजस्थान को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। आपने सुना होगा कि राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, देखिए इधर वाला जो राजस्थान है ना, इसमें पानी की प्रॉब्लम नहीं है। ईस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे बारिश बढ़िया होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये डेजर्ट एरिया पूरा का पूरा थार डेजर्ट जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे पहले 20-20 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। राजस्थान कैनाल के बाद में अब यहाँ पे पानी मिल जाता है। हालांकि पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत है और पूरे देश में होनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो हम जान लेते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हरिके बैराज है हरिके के अंदर, उसके जहाँ पे सतलज और ब्यास दोनों मिलती है उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है। ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान तीनों को बेनिफिट होता है। बनाया गया था काफ़ी पहले, लेकिन इसका नाम बदल के, ठीक है, इसको नाम बदल के 1985 में जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन हुआ था, मर्डर हुआ था, नाम बदल के इसका 1958 के में स्टार्ट किया गया था। इसको 1958 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल था, बाद में इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया 1985 में। आप देख सकते हैं इसके अंदर राजस्थान को पहले तो 167 किलोमीटर का फीडर बना हुआ है, फिर उसके बाद में हरियाणा में भी 37 किलोमीटर का बेनिफिट है, उसके बाद में 450 किलोमीटर के आसपास राजस्थान को फ़ायदा मिलता है, ये कैनाल बना हुआ है। तो ये देखिए सात जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है जिनको फ़ायदा मिलता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? खाराखेरा विलेज है हनुमानगढ़ में, वहाँ से स्टार्ट होता है, राजस्थान में एंटर करता है। उसके बाद में बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर, यानी कि पूरे के पूरे जो ऊपर के जो राज्य है ना, इन सभी को बेनिफिट मिलता है इससे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सात जो डिस्ट्रिक्ट है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान का ये राजस्थान कैनाल जो है इंदिरा गांधी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, कौन सी अभी बात हुई है। तो साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या बोलते हैं? ब्रिक बैंक भी बोलते हैं। ब्रिक्स जो है ना, जो हमारे पांच देशों का समूह है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन दोनों इन देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसको ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर मैंने आपको बताई दिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रेसिडेंट कौन है? केवी कामत, इंडियन है, ये इसके प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने लोन दिया है 3,300 करोड़ का, ताकि राजस्थान के थोड़े हालात हैं जो कैनाल है इसको सही कर सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे भारत की जो फास्टेस्ट ट्रेन है इसको थोड़ा सा स्लो करने की बात करी गई है। आपको पता है ना, दिल्ली से आगरा के लिए चलती है गतिमान एक्सप्रेस, उसको लेके न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है देख लेते हैं कि जो आगरा दिल्ली वाला जो रूट है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ग्वालियर झांसी तक लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा हुआ रूट है इसको थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे धीरे कर दी गई है, 130 किलोमीटर पर आर की कर दी गई है। वैसे तो आपको पता ही है गतिमान एक्सप्रेस की जो स्पीड है ना वो 160 किलोमीटर पर आर की है, 160 किलोमीटर पर आर। इससे भी तेज एक ट्रेन का टेस्ट हो चुका है, आपने सुना होगा ना, टैल्गो, स्पेनिश ट्रेन है टैल्गो, लेकिन वो अभी ट्रायल के ऊपर ही है, वो अभी ट्रायल रन के ऊपर ही है, अभी उसको वैसे स्टार्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभी गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज है दिल्ली से आगरा की तरफ, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, लेकिन जो बढ़ा दिया गया ना उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो आपसे रेलवे के आने वाले पेपर में पूछ सकते हैं कि ये जो कौन से ट्रेन है जिसकी उसको थोड़ी सी स्पीड उसकी कम कर दी गई है, उसके थोड़ा सा एक्सटेंड करके झांसी ग्वालियर रूट पर उसको ले जाके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7 से, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर भी बहुत एक, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है ये देखिए, एक गैस लीक हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, आपको पता है ना, कोची शिपयार्ड पर, ओके तो एक गैस लीक हुई थी, तो उसके वजह से क्या हुआ है कि जो कोची शिपयार्ड है ना वहाँ पे 5 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसको लेकर अब देखिए मैं डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा था वो, क्या था कि अभी इनिशियली कोची पुलिस ने क्या किया है कि पता लगाया है कि कोची शिपयार्ड के ऊपर जो धुआं उठा था, जो आग लगी थी जिससे 5 लोगों की डेथ हो गई थी, उसके अंदर जो गैस थी ना जो लीक हुई थी वो एसिटिलीन गैस थी, जिसके लीकेज की वजह से डेथ हुई है। अब यहाँ पे काफ़ी इंक्वायरी भी बिठा दी गई है, काफ़ी चीज़ों को बता दिया गया है कि किस तरीके से क्यों हुआ है ये, क्या ये ह्यूमन एरर है या फिर मैकेनिकल एरर है, किस वजह से 5 लोगों की डेथ हुई है, ये बात यहाँ पे बात करी जा रही है। तो गैस कौन सी? एसिटिलीन है। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, ओके, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी ना, आइसोसाइनाइड गैस थी वो, पेपर के अंदर कई बार पूछी गई भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, वैसे ही आने वाले दिनों के अंदर कोची शिपयार्ड के अंदर
जो ये प्रॉब्लम हुई है उसके अंदर भी कौन सी गैस लीकेज हुई है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एसिटिलीन गैस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ आप ये भी देख लेते हैं कि जो ये एसिटिलीन गैस है ये है क्या, इसको इथेन भी बोलते हैं, साथ में इसका फॉर्मूला होता है C2H2। अगर कल को पेपर में आपसे एसिटिलीन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये मत समझिएगा कि ये केमिस्ट्री का सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि ये करंट अफेयर का सवाल है, क्योंकि ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसीलिए आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया इसके बारे में। हाइड्रोकार्बन है, सिंपल एल्केन है, कलरलेस गैस होती है, फ्यूल के अंदर बहुत काम में ली जाती है, ठीक है, और अनस्टेबल फॉर्म इसकी बहुत प्योर होती है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें डेप्थ में नहीं जाना है हमको, इतना सा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे रूहानी विजिट करने वाले हैं देश के अंदर। आपको पता है कुछ टाइम पहले ईरान इसराइल के PM यहाँ पे आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू, उसके बाद में PM चार देशों के विजिट पे गए, और अब जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो भारत आने की बात चल रही है उनकी। तो यहाँ पे ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में भारत जो है वो इराक को डेवलप करने की बात कर रहा है, तो ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों न्यूज को हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने आज का एडिटोरियल नहीं पढ़ा है, अगर आपने द हिंदू एडिटोरियल, तो वो जरूर पढ़िए। उसके अंदर मैंने आपको इसराइल और साथ में अरब देशों के बीच में क्या लड़ाई है उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना के दे दूं, जिसमें जो ये वेस्ट वाला एशिया वाला जो पार्ट है ना, वेस्ट एशिया, यानी कि ये जो इसराइल, पैलेस्तीन, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इन देशों के अंदर आपस में क्या झगड़े हो रखे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम है, क्यों भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों ही तरीकों से, इसराइल से भी अच्छे रिलेशन रखना और अरब देशों से भी अच्छे रिलेशन रखना। जबकि प्रॉब्लम क्या है, अरब और इसराइल ये दोनों बड़े एंटी हैं एक दूसरे के, तो भारत कैसी स्ट्रैटेजीज खेल रहा है ये सब हमने उस एडिटोरियल के अंदर मैंने आप बात करी है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी रिसेंटली PM मोदी चार देशों की यात्रा पर गए थे, आपको पता है ना, ओमान, UAE, ठीक है, इसके अलावा जॉर्डन गए और पैलेस्तीन गए, चार देशों की यात्रा पे गए। चारों ही देश इसराइल के अपोज्ड है, मतलब उससे लड़ाई चल रही है उनकी। इसराइल के जो PM है अभी, वो कुछ टाइम पहले देश के अंदर आके काफ़ी टाइप्स करके गए। तो भारत, कुल मिला के भारत ने इंटरनेशनल ये बता दिया है कि हम इसराइल से अच्छे बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अरब देशों से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अरब देशों से, मुस्लिम कंट्रीज से, इन सब में भारत को काफ़ी बेनिफिट होता है, ऑयल से लेकर और बाकी सारे स्ट्रैटेजी से भी लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे रूहानी जो है वो देश के अंदर आने वाले हैं। पहले तो मैं आपको एक मैप बता देता हूँ जिसके अंदर पूरा वेस्ट एशिया हम समझ जाएंगे, कौन सा देश कहाँ पर है, कैसी लड़ाई हुई है। तो आपके सामने ये मैप है पूरा का पूरा वेस्ट एशिया का। अब इसमें देखिए, पहले तो अभी ओमान, UAE, इसके अलावा जॉर्डन और साथ में ये पैलेस्तीन वाला जो एरिया ना डिस्प्यूटेड, इन चारों देशों के अंदर PM मोदी अभी जाके आए थे। यहाँ पे छोटा सा देश है इसराइल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये इसराइल पे हुआ ये था कि इसराइल के इन पे 1948 के अंदर, 49 के अंदर, ये जो आसपास के चारों देश है ना, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और इराक, इन सब ने मिलकर अटैक कर दिया था किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, और यहाँ पे ज्यूइश लोग हैं और इन्होंने इनको हरा दिया था चारों देशों को। जब ये थोड़े से स्ट्रांग हुए थे 1967-68 के अंदर, इसराइल ने इनके ऊपर अटैक किया और इन चारों देशों को हरा दिया फिर से। उसको बोलते हैं 6-day war, 6 दिनों के अंदर ही चारों को हरा के इनका एरिया कैप्चर कर लिया। पैलेस्तीन के लोग को रेफ्यूजी बनना पड़ा, जो कि किसी टाइम पे पूरा इसराइल पैलेस्तीन ही हुआ करता था। अब पैलेस्तीन बोल रहा है कि हमें हमारी ज़मीन वापस दो और हमें एज ए देश एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये मुद्दा है एक्चुअली में, उसके बारे में और मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें पूरा का पूरा मुद्दा आपको समझाया जाएगा, ओके। तो अभी ईरान की कैपिटल क्या है, तहरीन है। तो ये इसके जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश में आने वाले हैं, और यहाँ पे हमने छाबार बोर्ड भी बना रखा है, पता है ना, छाबार बोर्ड। तो ये इराक और ईरान, ये अगली न्यूज़ कौन सी, इराक से लेकर है कि इराक में भारत कंस्ट्रक्शन करने वाला है बगदाद के अंदर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईरान के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, ईरान की जो करेंसी है वो क्या है, रियाल है, कैपिटल तहरीन है, सुप्रीम लीडर अली खामेनिया है और प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी। चारों ही चीज़ें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान की भी और इराक की भी, क्योंकि इराक के अंदर भारत कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहा है, ओके। तो इराक की बात करें तो बगदाद कैपिटल है, दिनार करेंसी है, प्रेसिडेंट मौसम है और प्राइम मिनिस्टर आबादी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पेपर में सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है। तो इराक और ईरान दोनों ही हमने कवर अप कर लिया है। और आज के लास्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स से है, जो कि कौन सी है कि अभी शेड्यूल आ चुका है, पता है ना आपको, IPL का शेड्यूल आ चुका है, कौन सा मैच कहाँ पर होगा,
27 मई को फाइनल होगा मुंबई के अंदर 8 बजे, और इसीलिए आपको जानना जरूरी है। राजस्थान रॉयल और चेन्नई वापस से आ चुकी है, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के जो मेंटर है वो शेन वॉन बन चुके हैं वापस से, और दोनों की दोनों टीमें वापस आ चुकी हैं। वापस से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं। चैंपियंस 2008 के पहला एडिशन था, राजस्थान रॉयल चैंपियन बनी, उसके बाद में डेक्कन चार्जर्स। कुल मिला के 3 बार तो मुंबई बन चुकी है, लास्ट टाइम भी मुंबई बनी थी, ठीक है। 1, 2 और 3 चेन्नई 2 बार बन चुकी है, इसके अलावा ये भी चेन्नई 2 बार, इसके अलावा 1 बार डेक्कन, 1 बार कोलकाता भी 2 बार बन चुकी है। चेन्नई और कोलकाता दोनों 2-2 बार बन चुकी है चैंपियन। इसके अलावा हैदराबाद और डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल, ये 1-1 बार बन चुकी है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कौन कितनी बार बनी है, और टोटल कितने हो चुके हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10 एडिशन हो चुके हैं। 11वां एडिशन अब स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा रन आईपीएल में बनाया है रैना ने, सुरेश रैना ने। सबसे ज्यादा विकेट लिए मलिंगा ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, साथ में मैं आपको आज एक 5 क्वेश्चन का क्विज भी दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको मुझे कमेंट करके उसके आंसर बताना है। आंसर कैसे बताओगे कि नंबर 1 का ए आंसर है, नंबर 2 का बी आंसर है, नंबर 3 का सी आंसर है, ऐसे करके आप मुझे 5ों के आंसर दोगे। अभी मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन के क्विज लेके आ रहा हूं, बाद के अंदर 10 क्वेश्चन तक भी हम इसको लेके जाएंगे, और इससे बाहर आपको करंट अफेयर कभी किसी पेपर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन है 5। पहला क्वेश्चन है, कौन PFI पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, कौन से साल में PFI पार्टी का संस्थापन हुआ, यानी कि कौन से साल PFI पार्टी बनी, ये आपको बताना है और कमेंट करना है। अभी भी कमेंट कर सकते हैं, और साथ में जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चेयरमैन बताने हैं PNB बैंक के कौन है, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप देख के बता सकते हैं, अशोक मेहता, सुनील मेहता, दिनेश अरोरा, अमिताभ कांत। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि राजस्थान कैनाल से रिलेटेड है, कि इज नॉट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि कुल मिला के कौन से डिस्ट्रिक्ट को फायदा नहीं हो रहा है राजस्थान कैनाल से, जिसको हम इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा देख सकते हैं आप। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेड ऑफ 5 पीपल इन कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड के अंदर 5 लोगों की जो अभी डेथ हुई है उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। ये आपका चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है आपका, इराक बॉर्डर इज नॉट कनेक्टेड टू, इराक की जो सीमा है वो कौन से देश से नहीं जुड़ती है, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है 5ों क्वेश्चन आपको ने देख लिए होंगे, और अगर आपको 5ों क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वापस से वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको बैक करके वापस से देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। कल सबसे पहले मैं आपसे 5ों क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगा, उसके बाद में हम अब कल का सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, जितना आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगा वीडियो। वाईफाई स्टडी अगर इतनी हेल्प कर रहा है तो आप भी इस मुहिम को आगे ले जाने में हेल्प करें वाईफाई स्टडी की। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अभी 5 मिनट के अंदर हम आपके लिए करंट अफेयर के अलावा जो वोकैबुलरी सेशन होता है, वोकैबुलरी 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू।